स्टैटिस्टिक्स चैप्टर एटीन कोरलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस याद कीजिए कोरलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस मैंने कहा था किस टाइप के डेटा के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो ये जो चैप्टर है ये स्टडी किया जाता है किस तरह के डेटा के ऊपर जब आपके सामने जब आपके सामने क्या हो बाई वेरिएट बाई बाई वेरिएट डेटा हो बाई वेरिएट डेटा हो ठीक है बाई वेरिएट का मतलब क्या होता है दो वेरिएबल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उसको बोलते हैं बाई वेरिएट डेटा कैसे होता है बाई वेरिएट डेटा देखो जैसे एक वेरिएबल है एक्स दूसरा वेरिएबल है वाई और ये मान लो सीरियल नंबर है सीरियल नंबर है पहला आदमी उसका हाइट कितना वेट कितना ऐसे रिकॉर्ड करो दूसरा आदमी उसका हाइट क्या है वेट क्या है रिकॉर्ड करो ऐसे तीसरा आदमी हाइट और वेट चौथा आदमी हाइट और वेट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपने उसका हाइट नापा उसी टाइम पे उसका वेट नापो ये नहीं कि हाइट आज नाप रहे हैं और एक साल बाद उसका वेट नाप हैं एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम तो इस तरह से लिखा हो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं एक्स कॉमा हुआ ऑर्डर पेयर में दिखा दो ऐसे ऐसे ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर में दिखा दो ठीक है मतलब इसका डिफिनेशन में इस तरह का डेटा होता है वो होता है बाईवेरिएट डेटा जब आपके सामने बाई वेरियंट डेटा है तो इसी के ऊपर ये चैप्टर का स्टिच किया जाता है कोलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस ठीक है तो दिखाते हैं बुक में बुक में दिखाते हैं ये देखो किसको बोलते हैं बाईवेरियट डेटा और उसके ऊपर क्या स्टडी होता है तो उसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपको समझना है बाई वेरिएट डेटा क्या होता है तो ये डिफिनीसन है टू वेरिएबल मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये हो गया वही एक्स वाई ऐसे रिकॉर्ड कर लो इसी को आप ऐसे दिखा दो क्या पाँच चार पहला ऑर्डर पेयर चार छः दूसरा ऑर्डर पेयर सात आठ तीसरा ऑर्डर पेयर ऐसे करके यहाँ पर ये सब कहलाता है ऑब्जर्वेशंस और जितने भी ऑब्जर्वेशन होता है ना वो पेयर में होता है पेयर में एक्स वाई फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर थर्ड पेयर तो यहाँ पर जो एन होता है ना एन एन को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने पेयर्स हैं अगर पेयर में नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं एन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेकिन अगर ये पेयर में है बाईवेरिएट डेटा है तो क्या बोलते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कहलाता है बाईवियट डेटा इसके ऊपर क्या स्टडी करना है वो आगे मैं बता रहा हूँ बट इसके ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट है इसको भी समझ लो बेसिक पॉइंट है कुछ यहाँ पर जिसको समझना होगा पहला कि बाई वेरिएट जो डेटा होता है उसको एक टेबल में दिखाते हैं हम लोग टेबल में उसको बोलते हैं बाई वेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल बाई वेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल ठीक है उसका एक टेबल में दिखाना दो वेरिएबल है ना वन वेरिएबल इज़ टेकन इन रो अदर वेरिएबल टेकन इन कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ कहाँ दिखाते हैं पुट इन टू सेल्स उसमें सेल बनता है उस सेल के अंदर फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं कैसे देखिए है? कैसे होता है ये अगर मान लो कि दो वेरिएबल का डेटा है इस टाइप से तो आप क्या करेंगे ऐसे दिखाओगे टेबल में ये इधर एक्स रख लो इधर वाई रख लो वाई के लिए रो हो गया एक्स के लिए ऐसे कॉलम बन गया कॉलम बन गया देखो ठीक है ऐसे कॉलम बन के मान लो ठीक है एक्स के लिए ये कितना तीन रो कितना कॉलम है एक दो तीन चार इसको तो हम क्या बोलते हैं थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर का ये टेबल है ये सेल का हालात है ये सब छोटे छोटे बॉक्स है ना ये सेल का है इसमें क्या आता है इसमें फ्रिक्वेंसी आता है ऐसे करके टैली मार्क लगाते हैं एक दो तीन ये ऐसे चार कहीं पर ऐसा हो एक दो तीन चार पाँच पाँच ऐसे कहीं पर कुछ नहीं है तो खाली है ये सब जीरो फ्रिक्वेंसी है तो इस तरह से इसका टेबल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं बाई वेरियस फ्रिक्वेंसी टेबल जिसमें कितना रो कितना कॉलम है इस टाइप से बनता है एक वेरिएबल रो में एक वेरिएबल कॉलम में होता है किसी को भी रख लो तो हमें तैयार नहीं करना है टेबल बट इससे रिलेटेड कुछ थ्रोटिकल पॉइंट है उसको समझो क्या होता है थ्रोटिकल पॉइंट क्या है इसको समझिए पहला पॉइंट क्या है लेट टेबल का साइज़ क्या है पी बाई क्यू पी रो है और क्यू कॉलम है एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है थ्री बाई फोर एग्ज़ाम्पल के लिए क्या लिखा है थ्री बाई फोर जहाँ पी रो होता है क्यू कॉलम होता है ये टेबल का साइज है ये हमने ऐसा एज्यूम कर लिया सेकेंड पॉइंट क्या देखो अगर पी बाई क्यू टेबल का साइज है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो कितने सेल्स होंगे पी को क्यू को मल्टीप्लाई कर दो थ्री इंटू फोर कर लो बारह सेल होगा कितने सेल होंगे बारह सेल कितने होंगे बारह ये वाला समझ में आ गया होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये सेल है जो रो और कॉलम का कॉमन पार्ट है तो बारह सेल होगा पहला पॉइंट के बाद ऊपर ऊपर हाँ किसी भी सेल की फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रीक्वेंसी नहीं कोई होगा उसमें तो जीरो और कोई होगा तो एक दो तीन निगेटिव नहीं होगा फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन नहीं होगा ज़ीरो हो सकता है जीरो हो सकता है और इस टेबल के ऊपर क्या होता है दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है एक का नाम है मार्जिनल तो डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा का नाम है कंडीशनल तो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे इन ए बाई वेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं मैक्सिमम तो जितना वेरिएबल होता है जितना वेरिएबल होता है अब बाई वेरिएट है तो कितना वेरिएबल है दो इसीलिए फिक्स हो गया टू होगा लेकिन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना होता है तो ये होता है पी प्लस क्यू रो प्लस कॉलम तो जितना रो है जितना कॉलम है उसको जोड़ दो यहाँ पर तीन रो और चार कॉलम है तो जोड़ने पर क्या आया सात इसका मतलब मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन सात होते हैं एक होगा दो होगा तीन चार पाँच छः सात सात तक हो सकता है तो याद रखना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछे कितने होते हैं मैक्सिमम तो रो प्लस कॉलम क्या पता था क्वेश्चन आ जाए कैसा कि, कि बाई वेरियट फ्रिक्वेंसी टेबल ऑफ साइज फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर तो बताओ व्हाट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन तो फाइव प्लस फोर कर दो आंसर इज नाइन ठीक है कितने सेल्स होंगे तो पाँच को चार को मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वेंटी सेल्स होंगे तो ये चीज़ है और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स रहेगा यही रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दो रहेगा बिल्कुल फिक्स क्यों क्योंकि सिलेबस में अपना यही है ये बाई वेरिएट मतलब दो वेरिएबल तो दो, दो वेरिएबल है तो ये दो रहेगा अब कहीं पर ट्राई वेरिएट हो तो वो होगा तीन वेरिएबल तो तीन हो जाएगा लेकिन है तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल तो इसीलिए ये फिक्स रहेगा टू ये बदल लेगा रो प्लस कॉलम के हिसाब से बदलेगा ओके ओके सॉरी तो आप देखिए यहाँ पर एनालिसिस ऑफ बाई वेरिएट डेटा अब इसके ऊपर हमें क्या स्टडी करना है तो इसके ऊपर स्टडी करना है जिसका पहला नाम है कोरलेशन एनालिसिस और दूसरे का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस दो तरह का स्टडी करना है अगर एक्स वाई का डेटा आपके पास है तो आप जानना चाहते हो कि भाई इस एक्स वाई में रिलेशन क्या है और कितना है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल ये कहलाता है कोरलेशन एनालिसिस रिलेशन क्या है और कितना है इसी को बोलते हैं कोरलेशन देखो कोरलेशन एनालिसिस मीन्स इस्टैब्लिसिंग रिलेशन एंड अमाउंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल रिलेशन मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है और दूसरा अगर पॉजिटिव है तो कितना है निगेटिव है तो कितना है अमाउंट को भी निकालो ताकि रिलेशन स्ट्रांग है या वीक है ये चीज़ पता चल जाए तो कोलेशन एनालिसिस में हम लोग दोनों चीज़ का स्टडी करते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि ज़ीरो है और पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसमें हम अमाउंट को भी निकालते हैं उसको देख के हम जज करेंगे ये पता करेंगे कि रिलेशन स्ट्रांग है या वीक है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वीक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग निगेटिव वीक निगेटिव ऐसा अमाउंट से पता चलेगा एक्सटेंट ऑफ रिलेशन रिग्रेशन क्या होता है तो रिग्रेशन का स्टडी क्या होता है इसमें मीन्स इस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन जिसको स्टेट में क्या बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन इस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन मतलब रिग्रेशन इक्वेशन को बनाना दो वेरिएबल है ना उसके बीच में एक लीनियर इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन उसको तैयार करना इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन मतलब जो भी रिलेशन है ना उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो एक्स वाई में इक्वेशन बनाओ और फिर उसके बाद एंड देन एस्टिमेट करो डिपेंडेंट वेरिएबल को फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ इनडिपेंडेंट वेरिएबल ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रिग्रेशन एनालिसिस को में भी दो बात होता है रिलेशन और अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना रिग्रेशन में भी दो स्टेप काम होता है पहला स्टेप में मैथमेटिकल रिलेशन मतलब इक्वेशन तैयार करना और उस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिया होगा पुट कर देंगे तो एस्टिमेट हो जाएगा तो शॉर्टकट में बोले तो रिग्रेशन मीन्स मैथमेटिकल रिलेशन को इस्टेब्लिश करना और फिर उसके बाद प्रिडिक्ट करना एस्टिमेट करना डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मान लो एग्जांपल के लिए डिमांड और प्राइस भाई ऐसे करो ना प्राइस एंड डिमांड प्राइस एंड डिमांड डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस डिमांड और प्राइस डिमांड प्राइस आपके पास दस साल का डेटा आपने रिकॉर्ड कर लिया बाई वेरिएट ठीक है डिमांड और प्राइस रिकॉर्ड किया दस साल का अब इसमें क्या करो मैथमेटिकल कर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लो मतलब डिमांड को इन टर्म्स ऑफ प्राइस मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेट में तो बोलते हैं रिग्रेशन बट प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं डिमांड इक्वेशन क्या बोलते हैं डिमांड इक्वेशन उस डिमांड इक्वेशन में प्राइस की जगह पर जो दिया रहेगा ना आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो प्राइस है वो दिया रहेगा उसको पुट करो और डिमांड आपको एस्टिमेट हो जाएगा उसी को बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस मतलब गिवन प्राइस के लिए डिमांड को एस्टिमेट करना वो कहलाता है रिग्रेशन एनालिसिस और डिमांड और प्राइस में रिलेशन को निकालना निगेटिव है कि पॉजिटिव और कितना ज़्यादा निगेटिव या पॉजिटिव है तो वो कहलाता है कोरलेशन एनालिसिस वैसे डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होगा निगेटिव अब हर प्रोडक्ट के लिए एक जैसा नेगेटिव तो नहीं होगा ना कहीं ज़्यादा नेगेटिव होगा कहीं कम नेगेटिव होगा जिसको आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं किस चीज़ से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कोरलेशन कॉफिशेंट से कोर्लेशन कॉफिशियट ये होता है रिलेशन अमाउंट को बोलते हैं कोर्लेशन कॉफिशियंट उससे पता चलता है कि ज़्यादा नेगेटिव या कम नेगेटिव ठीक बात है तो बाई वेरिएट डेटा के ऊपर ये सारे कॉन्सेप्ट है और इसमें अब शुरू हो रहा है जी कोरलेशन एनालिसिस क्या होता है तो वही चीज़ पहले कोरलेशन पढ़ेंगे फिर रिग्रेशन पढ़ेंगे तो वापस आ जाओ सेम कॉन्सेप्ट कोरलेशन एनालिसिस का मतलब होता है रिलेशन एंड अमाउंट ऑफ रिलेशन तो जो जस्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोरलेशन कोरलेशन का मतलब दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ कॉरलेसन जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है अगर पॉजिटिव कॉरलेशन है इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है चेंजेज जो है दो वेरिएबल के बीच में सेम डायरेक्शन में होगा इधर बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग एग्जाम्पल क्या प्राइस एंड सप्लाई प्राइस बढ़ाओगे सप्लाई बढ़ेगा प्राइस घटाओगे सप्लाई घटेगा सेम डायरेक्शन में चेंज होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन चेंजेज इन सेम डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये है जस्ट कॉर्लेशन मतलब नेचर ऑफ कॉर्लेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये अमाउंट की बात नहीं है ये हो गया क्वालिटेटिव स्टडी कॉर्लेशन इज क्वालिटेटिव स्टडी ये चीज़ है और अमाउंट जो है अमाउंट निकालना वो है क्वान्टिटेटिव क्वान्टिटी निकालना पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया निगेटिव क्या मतलब होता है देखो निगेटिव कॉर्शन का मतलब होता है क्या इनवर्स रिलेशन चेंजेज इन अपोजिट डायरेक्शन इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग जैसे प्राइस और डिमांड में होता है और जीरो का मतलब एक वेरिएबल ज़्यादा हो या कम हो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा तो कहलाता है जीरो कोरलेशन जैसे जूते के साइज़ में और इंसान के इंटेलिजेंसी में कोई रिलेशन होगा बिल्कुल नहीं एकदम नहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होगा नहीं मान लो दस लोगों के ऊपर आपने स्टडी किया दो वेरिएबल को लेकर भाई जूते का साइज़ क्या है और उसका आईक्यू लेवल क्या है पहला का दूसरा का दो वेरिएबल आ गया तो बताओ उसके बीच में कोई रिलेशन आएगा कोई रिलेशन नहीं आएगा इसी को हम बोलते हैं जीरो कोल्डेशन तो कुछ और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड देखिए क्वालिटेटिव स्टडी बताओ कोई पूछे डे टेम्परेचर में और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स में कैसा रिलेशन होगा पॉजिटिव क्यों डे टेम्परेचर ज़्यादा तो कोल्ड ड्रिंक्स का सेल ज़्यादा होगा डे टेम्परेचर कम ठंडा बढ़ हो गया तो सेल कम होगा तो पॉजिटिव रिलेशन दूसरा एग्जाम्पल देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एज एंड एल प्रीमियम में क्या रिलेशन होगा पॉजिटिव भाई देखो कोई बीस साल का बच्चा है लड़का है उसका प्रीमियम कोई तीस साल का उसका प्रीमियम जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो प्रीमियम क्या होता है बढ़ते जाता है क्यों एज ज़्यादा होने पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगा ना तो कंपनी के ऊपर रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा इसीलिए वो प्रीमियम को बढ़ा देता है तो एल में एज में और इंश्योरेंस प्रीमियम में डायरेक्ट रिलेशन होता है एज इंक्रीजिंग प्रीमियम ऑल्सो इंक्रीजिंग पॉजिटिव होता है ये देखो स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इज नेगेटिव क्यों कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रहा है ना ब्रेक लगाने के बाद देखना आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक के बाद देखना को बहुत तेजी से कोई गाड़ी चल रही है ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाया ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा स्पीड होगा कम डिक्रीज़ <coughs> लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा इनक्रीज़ भाई ब्रेक लगाने के बाद कुछ तो चला होगा उसके बाद रुक क्या होगा तो जितना भी चला दो मीटर चार मीटर वो क्या कहलाएगा डिस्टेंस ट्रेवल उतना से इनक्रीज हुआ डिस्टेंस ट्रेवल कभी डिक्रीज़ होगा नहीं तो स्पीड तो डिक्रीज करेगा लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा इंक्रीज करेगा इसीलिए निगेटिव को इसी में ना आपको कहीं पर ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है जो इससे अलग है क्या होता है स्पीड एंड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑटोमोबाइल्स स्पीड में आ डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार या कोई भी हो डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स वो क्या होता है पॉजिटिव क्यों ज़्यादा स्पीड में चलोगे ना तो रुकने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए अब कम स्पीड है कोई बोलेगा रुक जाओ तुरंत रुक जाएगा आदमी लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड है तो उसके लिए डिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए हवाई जहाज का एग्जाम्पल लो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है तो डिस्टेंस रिक्वायड टू स्टॉप रोकने के लिए डिस्टेंस कम से कम दो किलोमीटर का वो हवाई पट्टी चाहिए बोलो को छत पर उतार तो नहीं हो पाएगा चाहे छत मजबूत भी क्यों ना हो लेकिन अगर सिर्फ बीस मीटर का छत हो तो उस पर नहीं उतरेगा ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये चीज़ है तो जितना स्पीड होगा डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप पॉजिटिव होगा लेकिन यह स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कम होगा और डिस्टेंस ट्रेवल इंक्रीज करेगा मान लो कि जितना भी डिस्टेंस अब तक हो गया तो चार मीटर के बाद रुक गया तो क्या हुआ डिस्टेंस ट्रेवल जो है इंक्रीज बाय फोर मीटर और स्पीड डिक्रीज टू ज़ीरो तो ये निगेटिव होता है याद रखना है ये सब क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एस्पूरियस कॉरेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना तो उसको बोलते हैं एस्पूरियस कोरलेशन तो ये जो भी आपने देखा ये सब का सब क्या है क्वालिटेटिव स्टडी लेकिन दूसरा पे आ जाओ अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ कोरलेशन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल और ये आ जाओ क्वान्टी तो क्वान्टिटी के ऊपर क्या ये अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ रिलेशन को हम क्या बोलते हैं कोरलेशन कोफिशेंट बोलते हैं और इसी को निकाल लेंगे अगर हम इस अमाउंट को निकाल लेंगे तो इसे निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि जीरो है वो भी आ जाएगा और साथ में अमाउंट भी आ जाएगा ठीक है तो मेन टारगेट चैप्टर के अंदर यही है क्या कोफिशेंट ऑफ कोलरेशन को निकालना अमाउंट ऑफ कोलरेसन अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप को निकालना ठीक है ये चीज़ है और कोफिशियंट है तो भाई इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा याद करो अगर जहाँ भी कोफिशियंट आ जाए तो मैंने कहा था ना कोफिशेंट क्या होता है यूनिट फ्री होता है इट इज़ ए प्योर नंबर आर का वैल्यू जस्ट लाइक ए नंबर होता है बिल्कुल प्योर नंबर होता है ठीक है उसका कोई यूनिट नहीं होगा अब भाई दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन है तो मीटर किलोमीटर ऐसा कोई यूनिट नहीं होगा पहला पॉइंट ये इसका प्रॉपर्टी याद रखना है दूसरा आर का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस वन से ले कर प्लस वन तक होता है आर का वैल्यू माइनस वन से लेकर प्लस वन तक अगर हम पर्सन की बात करें कि दो इंसान में क्या रिलेशन है तो इस टाइप का कोरिलेशन रेशन वहाँ भी निकलता है और अगर वहाँ पर माइनस वन आ जाए ना सबसे कम तो क्या बोलेंगे परफेक्ट अगर सबसे ज़्यादा आ जाए ना तभी तो क्या बोलेंगे परफेक्ट कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा या सबसे कम आ जाता है ना रेंज में सबसे ज़्यादा आ गया या सबसे कम तो परफेक्ट होता है जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं क्या होता है जीरो से लेके इन्फिनीटी ज़ीरो आ गया तो परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं परफेक्ट पक्का होता हुण. और इन्फिनिटी आ गया तो परफेक्ट इलास्टिक तो यहाँ पे वही है परफेक्ट है लेकिन नेगेटिव है तो परफेक्ट डिसएग्रीमेंट नेगेटिव मतलब क्या पर्सन जो है दो आदमी एग्री नहीं कर रहा है डिसग्री कर रहा है कितना परफेक्ट डिसएग्री कर रहा है कंप्लीट डिसएग्री और वन आ गया तो परफेक्ट एग्रीमेंट इसके बीच में कुछ और भी हो सकता है नहीं इसके बीच में मान लो जीरो भी है जीरो भी हो सकता है मतलब नो कोरिलेशन पॉइंट टू है तो वीक पॉजिटिव पॉइंट नाइन है स्ट्रांग पॉजिटिव दिख रहा है पॉजिटिव है ना स्ट्रांग पॉजिटिव बताओ माइनस पॉइंट नाइन है स्ट्रांग निगेटिव इसके बीच में सारे वैल्यू आर इक्वल टू माइनस पॉइंट टू है वीक निगेटिव तो उस अमाउंट को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि स्ट्रांग पॉजिटिव है या वीक पॉजिटिव है इस तरह का हम बोल सकते हैं तो ये याद रखना परफेक्ट डिसएग्रीमेंट परफेक्ट एग्रीमेंट अब तीसरा पॉइंट तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कोरलेशन कोफिशेंट इंडिपेंडेंट होता है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता किसका ओरिजिन का भी और स्केल का भी ये तो और अच्छा हो गया भाई ओरिजिन का चेंज करो चाहे स्केल का चेंज करो एक्स वाई में जो एक्स वाई में कोर्सेशन कोफिशियंट पहले था वही कोर्सन कोफिशियंट चेंज करने के बाद भी होगा ये तो और आसान हो गया अब इसी बात को कुछ एग्जाम्पल से आप देखिए क्या देखोगे देखो ये देखो अगर एक्स वाई के बीच का कोलोशन कोफिशियंट पॉइंट एट है तो पूछा आपसे बताओ देन कोलोशन कोफिशियंट बिटवीन इसके बीच में क्या होगा अभी कैसे निकाला गया है एक्स में दो प्लस किया और वाई में तीन माइनस किया एक्स वाई में ऑरिजिन का चेंज है कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम रहेगा एक्स को दो से मल्टीप्लाई किया वाई को पाँच से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई में कैफा चेंज है स्केल का चेंज है मल्टीप्लाई इसके बीच का कोलोशन कॉफिशियन क्या होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेम रहेगा एक्स को दो से इंटू किया स्केल का चेंज प्लस पाँच किया ओरिजिन का चेंज वाई को तीन से इंटू किया स्केल का चेंज सात माइनस किया ओरिजिन का चेंज मतलब एक्स वाई में स्केल का भी चेंज कर दिया ओरिजिन का भी चेंज कर दिया इसके बीच का कोलोशन कॉपेशन क्या होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉइंट एटी होगा ये तो कमाल हो गया तो और आसान हो गया नहीं अब इसमें एक चीज़ देख और समझना आपको कल इतना ध्यान दो स्केल का चेंज ये बात लिखा हुआ यहाँ पर स्केल का चेंज अगर अपोजिट साइंस होगा ना तो आर का नेचर बदल जाएगा आर का मतलब आर पॉजिटिव है पहले तो बाद में नेगेटिव होगा पहले से नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं चेंज ऑफ स्केल अगर अपोजिट साइन से हो तो बस आर का साइन बदल जाएगा कैसे देखो एक्स का मल्टीप्लाई तीन से वाई का मल्टीप्लाई माइन दो से देखो स्केल का चेंज है ना मल्टीप्लाई एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है मल्टीप्लाई वाले पर ध्यान देना खाली मल्टीप्लाई पे चाहे डिवाइड पे एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव इसके बीच का क्या देगा तो जो एक्स वाई में था ना एकदम सेम रहेगा पॉइंटेट बस नेचर बदल जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा बस इतना ही होना है चेंज और कोई नया चीज़ नहीं आने वाला है ये देखो ये देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बस मल्टीप्लाई पर ध्यान दो एक्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से वाई का मल्टीप्लाई नेगेटिव से एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव तो इसके बीच का कॉरेसन कापरेशन क्या होगा पहले प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ इसको देखो इसके बीच का कॉरेसन क्या होगा फिर ध्यान को देखना एक्स का मल्टीप्लाई निगेटिव से वाई का मल्टीप्लाई भी निगेटिव सेम साइन सेम साइन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना पहले था उतना ही रहेगा तो ये एक लास्ट कंक्लूजन हो गया अब कुछ भी नया नहीं आने वाला है मतलब चेंज ऑफ ऑरिजिन चेंज ऑफ स्केल हो कोरलेशन में तो या तो आंसर बिल्कुल सेम रहेगा अब बहुत होगा तो सिर्फ क्या बदलेगा सिर्फ साइन बदलेगा थर्ड पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है ठीक है थर्ड पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है इसी बात को आप इस तरह से भी समझिए ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है क्योंकि तो समझना पड़ेगा इसको भी क्या चीज़ें देखो कोलेशन कोफिशेंट एक्स वाई के बीच का क्या है पॉइंट सिक्स ये गिवन है अब देखो एक्स में चेंज करने के बाद उसका नाम दिया यू और वाई में चेंज करने के बाद उसका नाम क्या दिया वी और फिर ही मैं क्या पूछूंगा कोलेशन बिटवीन यू भी कहने का मतलब ये जो था ना ऊपर क्वेश्चन से देख रहे हो ना तो ये इतना बड़ा कोलेसन पूछेगा इसके बीच में क्या है तो लोगों ने क्या कहा इसको नाम दे दिया यू इसको नाम दे दिया वी और ये क्या हो गया कोलरेसन बिटवीन यू भी ऐसे मतलब तो एक्स में चेंज करके यू आता है वाई में चेंज करके वी आता है बस इतना ध्यान दो यू बराबर क्या है एक्स में चेंज वी बराबर क्या वाई में चेंज तो पूछेगा बताओ कोरेशन बिटवीन यू भी क्या होगा तो या तो पॉइंट सिक्स रहेगा या साइन चेंज होगा तो बताओ क्या साइन चेंज होगा नहीं क्यों हमेशा देखना यू बराबर है वी बराबर है बताओ एक्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से वाई का भी पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम रहेगा यहाँ देखो यू बराबर वी बराबर यू बराबर एक्स का मल्टीप्लाई निगेटिव से वाई का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से एक निगेटिव है मल्टीप्लाई वाले को देखना होता है खाली बस एक निगेटिव एक पॉजिटिव साइन चेंज कर जाएगा पहले प्लस है तो अब माइनस हो गया ठीक है तो ये सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं और देखो उसी क्वेश्चन में कंटिन्यू में चल रहा है उसी क्वेश्चन का ये कंटिन्यूटी में चल रहा है देखो u बराबर v बराबर देख लो x नेगेटिव y भी नेगेटिव दोनों का साइन सेम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव रहेगा देख लो कभी कभी क्या होता है ऐसे मिक्स करके देता है ऐसे मिक्स कर दिया यू और वी एक्स मिक्स और वाई और वी मिक्स कर दिया फिर पूछेगा क्या होगा तो क्या करना ऐसे मिक्स करके दिया हो तो कोई बात नहीं यहाँ से यू बराबर निकाल लो कैसे निकालोगे यू बराबर थ्री एक्स को उधर भेज दो और पाँच से डिवाइड कर दो दस को डिवाइड किया पाँच से दो और थ्री एक्स उधर गया माइनस थ्री एक्स और दो से पाँच से डिवाइड कर दोगे गए थ्री बाई फाइव निगेटिव में ही आ गया ऐसे यहाँ से वी निकाल लो सिक्स को उधर भेजो उधर भेजो क्या पाँच प्लस सिक्स बाई अब वी चाहिए ना तीन से डिवाइड कर दो तो पाँच बटा तीन और उधर गया ना सिक्स वाई तो प्लस सिक्स वाई को छः को डिवाइड करेंगे तीन से तो प्लस में टू वाई तो ऐसे निकालना पड़ेगा इससे क्या करना होगा इसको सोल्व करके ये निकालो इसको सोल्व करके यहाँ से वी निकालो देखो आ गया यू बराबर वी बराबर आ गया तो अब बताओ एक्स का मल्टीप्लाई निगेटिव से और वाई का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या होगा साइन चेंज होगा इस क्वेश्चन का सीक्वेंस में चलो साइन उसमें क्या था पहले पहले था पॉइंट सिक्स तो अब क्या होगा माइनस पॉइंट सिक्स देखना ये चेंज हो गया ना तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये कल आता है चेंज ऑफ ऑरिजिन चेंज ऑफ स्केल का जो कॉन्सेप्ट है इसमें यही चीज़ है कभी कभी इसी में एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ से ये ये क्वेश्चन एक्स में चेंज करके यू आता है फिक्स होता है और वाई में चेंज करके वी आता है बताओ यहाँ से यू निकालोगे तो ये आ गया यहाँ से वी निकालोगे वी निकाल सकते हो ना वाई उधर भेज दो सिक्स को उधर भेज दो थ्री थ्री वी को यहाँ रखो फिर तीन से डिवाइड कर दो ऐसे तो निकाल लो अब देखो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव साइन चेंज होगा यहाँ पर भी आ गया माइनस देख रहे हैं अच्छा इसमें ये भी एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल एट देखो एग्जाम्पल एट एक्स वाई के बीच का कोलोशन कॉपिशन कितना है आर तो पूछा बताओ इसके बीच का कोलोशन कॉपिशन क्या होगा तो बस आप ध्यान दो कोफिशेंट पे एक्स का कोफिशेंट पॉजिटिव और वाई का कोफिशेंट निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव स्केल में तो साइन बदल जाएगा पहले आर है तब क्या होगा माइनस आर होगा तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं और इसी कड़ी में ये एग्जाम्पल नंबर नाइन है इसको समझो कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा भी आ सकता है कि इस टाइप का ये क्वेश्चन है तो आपको सीरीज एक्स दे दिया अब तो क्या था ऐसे इक्वेशन बना के दे रहा था ऊपर अब ये क्या हुआ सीरीज में दे दिया एक्स दे दिया वाई दे दिया एक्स वाई के बीच का कोरोसन कॉफिशेंट भी दे दिया एक्स में चेंज करके यू लिख दिया वाई में चेंज करके वी लिख दिया और फिर पूछा बताओ कोरेशन कॉफिशेंट बिटवीन यू वी क्या होगा ये तो मैंने आंसर लिख दिया है बट आपसे पूछेगा ये कितना यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो आप खुद देखो कि एक्स में क्या चेंज करने से यू मिला और वाई में क्या चेंज करने से वी मिला गौर से देखो कभी U वाले में कहीं पर जीरो मिल रहा है क्या जीरो मिल रहा है कहाँ पाँच के जगह जीरो है तो पक्का क्या सब में से पाँच माइनस होगा सब में से पाँच माइनस होगा तो बताओ U कैसे मिला तो जो x है उसमें से पाँच माइनस करके कर चेक कर लो चार में से पाँच माइनस करेंगे ये क्या है जीरो पाँच माइनस करोगे टू दस में से पाँच माइनस करोगे पाँच तो क्या मिला u बराबर एक्स माइनस पाँच और बताओ y वाले में कहीं जीरो है क्या ये रहा जीरो कहाँ पर दस की जगह तो सब में से दस माइनस होगा चेक करो थ्री में से दस माइनस करेंगे माइनस आठ सात में से दस माइनस करेंगे एकदम ठीक तो बताओ वी कैसे मिला वी वाई माइनस टेन अब आप इन टेबल को बिल्कुल भूल जाओ फिर ये तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया क्या एक्स वाई के बीच का कोलेसन कितना पॉइंट नाइन फाइव और यू बराबर इतना और वी बराबर इतना तो बताओ कोलेशन बिटवीन यू भी क्या होगा ऐसा क्वेश्चन हो गया बस ये चीज़ आपको इस सीरीज से निकालना पड़ रहा है और कुछ नहीं बताओ कैफा चेंज है ये तो ऑरिजिन का चेंज है ये तो ओरिजिन का चेंज है एक्स का कोपिशन पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना पहले था उतना ही रहेगा सेम आंसर लेकिन इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखो ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ यू दिया है अब बताओ इस एक्स से ये यू कैसे मिला और इस वाई से ये वी कैसे मिला इस चीज़ को देखो ठीक है ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कोई एक ही पूछेगा चार से आठ पाँच से दस सात से चौदह दस से बीस कुछ दिख रहा है यू कैसे मिला एक्स को दो से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया मैंने यू बराबर टू एक्स वी कैसे मिला तीन से माइनस छः सात से माइनस फोरटीन नाइन से माइनस एटीन कुछ दिखा? यस माइनस दो से इंटू वी कैसे मिला माइनस टू वाई फिर मैं कह रहा हूँ क्या अब इस टेबल सीरीज़ को भूल जाओ ये दिया हुआ है एक्स वाई के बीच का कोलेशन कोफिशियंट दिया पॉइंट नाइन फाइव यू बराबर इतना वी बराबर इतना तो बताओ कोलेशन बिटवीन यू वी क्या होगा देख लो यहाँ पर यू बराबर एक्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से वाई का मल्टीप्लाई निगेटिव से तो वैल्यू सेम रहेगा बस साइन चेंज करेगा पहले दिया प्लस का अब वही हो जाएगा माइनस का देख लो तो ये एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट है ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है जिसमें मैं एक दो एग्जांपल एक एग्जांपल आप प्रैक्टिस के लिए और देख लीजिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है शायद इसके आंसर मैंने गलती से कुछ और लिख दिया है तो वो बता ही देते हैं देखो इसी प्रॉपर्टी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए जैसे क्वेश्चन है कहाँ गया यार इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए मिलने में ये क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन देखो क्या लिखा है भाई एक्स वाई का कोलोशन कोफिस दिया हुआ माइनस पॉइंट थ्री पहले से नेगेटिव है अब x में चेंज किया तो u मिला y में चेंज किया तो v मिला तो पूछा बताओ कोर्सन कोपलेसन बिटवीन u और v क्या होगा ये क्वेश्चन है क्या करोगे एकदम वही तरीका यहाँ से क्या करो u निकालो और v निकालो क्वेश्चन नंबर सेवन देख लिया आपने क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर सेवन है बताओ कोलेसन बिटवीन एक्स वाई कितना दिया है ये दिया माइनस जीरो पॉइंट थ्री एट ये दिया है। और इक्वेशन दिया थ्री एक्स प्लस फाइव यू इक्वल टू में थ्री इसको ठीक करेंगे तो क्या होगा फाइव यू बराबर थ्री माइनस थ्री एक्स यू बराबर पाँच डिवाइड करो तीन बटा पाँच माइनस तीन बटा पाँच एक्स ये यू आ गया और क्या दिया है दूसरा इक्वेशन दिया है, वी वाला तो माइनस में एट वाई माइनस में सेवन वी इक्वल टू क्या दिया जी फोर्टी फोर चलो वाई को धर भेजो माइनस सेवन वी इक्वल टू फोर्टी फोर प्लस में एट वाई ठीक है वी बराबर कितना किससे डिवाइड करेंगे माइनस सात से माइनस सात से वी चाहिए ना वी माइनस सात से डिवाइड करो तो माइनस फोर्टी फोर बाई सेवन इसको भी डिवाइड करेंगे माइनस सात से तो एट बाई सेवन निगेटिव में ये मिला तो अब बताओ अब ठीक हो गया u बराबर v बराबर गौर फिर देखो u बराबर x नेगेटिव v बराबर y भी नेगेटिव दोनों का मल्टीप्लाई स्केल सेम साइन से है अपोजिट से नहीं है एक में प्लस हो एक में माइनस हो तब साइन चेंज करेगा ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है अपोजिट साइन है सेम साइन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा पहले था वैसा ही आंसर रहेगा कोरेशन बिटवीन यू भी क्या होगा माइनस पहले दिया हुआ है तो उतना ही रहेगा माइनस पॉइंट थ्री एट बताओ साइन कब चेंज होता है तो x का मल्टीप्लाई और y का मल्टीप्लाई एक में प्लस हो एक में माइनस हो तब साइन चेंज होगा लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस से तो साइन चेंज नहीं होगा दोनों का मल्टीप्लाई माइनस से तो साइन चेंज नहीं होगा ठीक है ये चीज़ है एक और क्वेश्चन देख लो इसी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ये क्वेश्चन देखो फिफ्टी फाइव नंबर ये तो ऐसे ही ऑल ही बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ये देखो फिफ्टी फाइव ये है एक्स वाई के बीच का कोलोशन कॉपेशन कितना दिया पॉइंट सिक्स यू और वी दो वेरिएबल आपको ऐसे मिला एक्स में चेंज किया तो यू मिला वाई में चेंज किया तो वी मिला पूछा कोलोशन कॉपेशन बिटवीन यू भी क्या होगा देखो ठीक है तो आंसर तो ये रहेगा पॉइंट सिक्स या साइन चेंज होगा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा है यार माइनस तो दिया ही नहीं है फिर तो यही छाप दो और कुछ नहीं नहीं आंसर में तो सेम रहेगा या साइन चेंज होगा अब या तो सेम है और साइन चेंज करके तो ऑप्शन ही नहीं है बाकी तो कभी होगा ही नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है तो बस लगा दो तो ही होगा लेकिन चेक कर लो देखो एक्स का कॉपिशन पॉजिटिव और वाई का भी कॉपिशन पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसीलिए पॉइंट सिक्स है तो पॉइंट सिक्स आ गया तो बात समझ में आ गया होगा आपको तो ये आपने देख लिया इसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे ये हमने एक चीज़ किया अगले क्लास में मेन काम क्या करना है ये पढ़ना है ये मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर जिसके चार मेथड है, हैं डायग्राम कॉलपियरसन एक्सपियर में रैंक को और कोफिशेंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन ये सब हम लोग करेंगे अगले क्लास में तब तक आप इतना करो ठीक है ओके